तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल सिस्टम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है इनकोडर एंड डिकोडर। यानी इनकोडर क्या होता है, डिकोडर क्या होता है, आज के वीडियो सीरीज़ में हम लोग कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा होगा आपको, कह रहा है कि इनकोडर्स कन्वर्ट 2n लाइन्स ऑफ इनपुट, यानी 2n इनपुट लाइन्स को किस में कन्वर्ट करता है, n बिट्स में कन्वर्ट करता है, यानी n आउटपुट लाइन में कन्वर्ट करता है इनकोडर। लेकिन डिकोडर क्या करता है, इसका अपोजिट वर्क करता है, यानी वो क्या करता है, n बिट्स को 2n इनपुट लाइंस में आउटपुट लाइंस में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली ये कंसेप्ट है इनकोडर और डिकोडर का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि एन इनकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डैट कन्वर्ट बाइनरी इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 2n इनपुट लाइन। यानी इनकोडर एक प्रकार का कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है, जो क्या करता है, बाइनरी इन्फॉर्मेशन को 2n इनपुट लाइंस में कन्वर्ट करता है और उसको n आउटपुट लाइन में कन्वर्ट करता है, विच आर रिप्रेजेंटेड n बिट कोड फॉर द इनपुट। यानी वो n बिट कोड में उस इनपुट का रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूँ, तो ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है इनकोडर को, 8x3 इनकोडर बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछ देता है, तो 8x3 इनकोडर को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको 8 इनपुट लेने होंगे और 3 आपको आउटपुट लेने होंगे, क्योंकि 8x3 है आपका। यदि यहाँ पे 4x3 होता तो 4x3 का आप लेते, तो यहाँ से D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 तक हमने ले लिया, क्योंकि 8 आपके हो गए और 0 से आपको पोजीशन स्टार्ट करना है। और यहाँ से X, Y और Z को हमने क्या किया, आउटपुट ले लिया। तो ये बेसिकली क्या है, आपका प्रोसीजर है 8x3 का। आइए 8x3 इनकोडर का हम लोग ट्रुथ टेबल देख लेते हैं और इसके डायग्राम को देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसके डायग्राम को क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड, ये उसका ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल को आप देखिए, हमने क्या किया है, हमने 8 इनपुट को लिया है और 3 आउटपुट को लिया है। तो 8 इनपुट जो आपका है वो किससे है, आपका 0 से शुरू है, 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ तक आपका है। आपको इसी तरह से ऑर्डर में लिखना है और यहाँ पे X, Y और Z लिखना है। अब देखिए प्रोसीजर क्या है, आप समझिएगा ट्रुथ टेबल को किस तरह से आपको फिल करना है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 7x0 लिख देना है, 1x1। अब ये जो 1 है वो ऊपर चलता जाएगा, यानी एक एक स्टेप ऊपर बढ़ता जाएगा, उस तरह से आपको फिल करना है, बाकी जगह पे 0 करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये 0, ये आपका 1, फिर ये आपका 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1, और बाकी सारे टर्म्स आपको 0 दिख रहे होंगे। तो ये रूल को आपको फॉलो करना है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आपको एक्स को भरने के लिए 4x0 4x1, वाई को भरने के लिए 2x0 2x1 2x0 2x1 और जेड के लिए 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सारे ट्रुथ टेबल को भर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एक फॉर्मूला निकल के आएगा जो एक्स के लिए, जो कि आपको फॉलो करना होगा, डायग्राम वगैरह बनाने में थोड़ा सा मदद होगा इसका। एक्स के जगह पे हम D4+D5+D6+D7 लिखेंगे, वाई के जगह पे D2+D3+D6+D7 लिखेंगे और जेड के जगह पे D1+D3+D5+D7 लिखेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, प्रोसीजर है ट्रुथ टेबल का। आइए हम इसके डायग्राम को समझ लेते हैं, देख लेते हैं। तो फ्रेंड, बेसिकली यही डायग्राम है जिसका हमें यूज़ करना है, बाय द हेल्प ऑफ और, यानी और गेट के मदद से आप किस तरह से इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको 3 और बना लेने हैं, X का जो फॉर्मूला हमने बताया, Y का जो फॉर्मूला बताया, Z का जो फॉर्मूला बताया, उसको अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, D1 के को लाना है ऊपर से लेके और यहाँ से ला के आपको Z में जोड़ देना है। फिर आपको D2 को लाना है, D2 को ला के इसमें जोड़ देना है, D3 को ला के फिर इसमें जोड़ना है, D4 को आप इस तरह से लाएंगे और इसमें जोड़ देंगे X में, D5 को आपको इसमें लाना है फिर इसमें जोड़ देना है, फिर D6 को आपको लाना है इधर ही और इसी में जोड़ देना है, और D7 को आपको इसी में लाना है और इसमें जोड़ देना है। और बाय द हेल्प ऑफ दिस, यानी यहाँ पे आपको एक टर्मिनल मिलेगा जिसको आपको दोनों तरफ आपको डिवाइड कर देना है, यानी Y में भी और Z में भी। इस तरह से करके आपको यहाँ से एक D5 के द्वारा, एक D3 के द्वारा आप एक लाइनिंग को ड्रॉ करिएगा और ड्रॉ करने के बाद इन दोनों को इसमें पहुँचा दीजिएगा, यानी Z में। तो इस तरह से आपका जो डायग्राम होगा वो क्रिएट हो जाएगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है ये। आइए हम लोग डायरेक्टली डिकोडर को समझते हैं कि डिकोडर क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या होता है। तो बेसिकली जो आपका फ्रेंड डिकोडर है, वो अगला आपका अगला कंसेप्ट है। ये बिल्कुल आपका हम कह सकते हैं कि यूनिडायरेक्शनल होता है इनकोडर के। तो यहाँ पे कह रहा है कि डिकोडर डज नॉट अपोजिट जॉब ऑफ एन इनकोडर, एंड सेकंड लाइन कह रहा है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डैट कन्वर्ट एन इनपुट लाइन्स इनटू 2n आउटपुट लाइन, यानी एन इनपुट लाइन को 2n आउटपुट लाइन में कन्वर्ट करता है। ट्रुथ टेबल आपको बिल्कुल वैसा ही बनेगा, बस उसमें एक्स वाई जेड को हमें पहले कर लेना है और D0 से लेकर D7 तक के टर्म को बाद में कर लेना है, जो कि आपका 8x3 डिकोडर अगर आपका एग्जामिनेशन में आ गया तो आप इसी तरह से इसको लिखिएगा। तो ट्रुथ टेबल आप देख लीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइए हम लोग इसके डायग्राम को देख लेते हैं कि डिकोडर के डायग्राम
डायग्राम को हम किस तरह से बनाएंगे। फ्रेंड ये बेसिकली आपका डायग्राम है। डायग्राम आप देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, तीन ऐसे डायग्राम को लिए हैं जिसमें एक्स वाई और जेड हमने ड्रॉ किया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइनिंग इसके द्वारा ड्रॉ कर लेना है तीनों नोट के द्वारा, और यहाँ से एक ऊपर लाइनिंग ड्रॉ करके एक लाइनिंग इधर करके आपको एक लाइनिंग ड्रॉ करना है इस तरह से वाई में भी जेड में भी। और उसके बाद आपको क्या कर लेना है, ये आपका जो आपका ऑपरेटर है उसको आपको बना लेना है कितने टाइम में, आपके 7 टाइम में। यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम था इसलिए मैंने 5 टर्म में ही बता दिए हैं, आप एक दो टर्म और भी जोड़ लीजिएगा ताकि आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो x होगा, x से आएगा आपका D0 में, y से आएगा D0 में, z से आएगा D0 में, उसी तरह से x से आएगा D1 में, और यहाँ से इसमें आएगा, और यहाँ से इसमें आएगा, उसी तरह से आपका D2 में आएगा, D3 में आएगा, D4 में आएगा, D5 में आएगा, इसी तरह से करके आप सारे कंसेप्ट को इजीली कंसेप्ट को समझ सकते हैं। ओके तो फ्रेंड आई होप वीडियो सीरीज आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक।